इसके बारे में बताएं कि क्यों और मैच की गई। मैं सिराज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल का शुरुआत इसलिए किया कि ताकि जो भी बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए जाते हैं, एक्टर बनने या एक्ट्रेस बनने जाती हैं लड़कियां, उनको तमाम चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है जो एक एक्टर और एक्ट्रेस फील्ड में निहायत ज़रूरी होता है। जैसे एक्टिंग करना और उसके साथ वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिसको मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जैसे एक्टर को या एक्ट्रेस को उसके साथ में हॉर्स राइडिंग आना, डांसिंग आना, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का होना, स्विमिंग का होना, फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वो तमाम चीज़ें बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दिया हूँ ताकि जो भी बच्चे हमारे यहाँ आएँ वो तमाम वो चीज़ें सीखें जो उनको एक एक्टर और एक्ट्रेस बनने के लिए ज़रूरी होता है। हम जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, दिल्ली से आते हैं या आउट ऑफ दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनको वो एक्टिंग का फीस तो दे ही रहे हैं लेकिन उसके बाद उनसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। जो बच्चे एक बार एक्टिंग का फीस उन्होंने दिया उसके बाद में हॉर्स राइडिंग उनको सिखाया जा रहा है, वो एडिशनल हुआ, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग एडिशनल हुआ, स्विमिंग का ट्रेनिंग एडिशनल हुआ, हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग एडिशनल हुआ। उनके लिए सिराज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल जिम की व्यवस्था किया है जिसके लिए भी उनको कोई फी देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एडिशनल है। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं एडमिशन लेने के लिए ऑल ओवर इंडिया से, वो केवल एक्टिंग का फीस देते हैं और बाकी जो पांच चीज़ें एडिशनल है वो पांचों चीज़ें बच्चे फ्री में सीखेंगे, उनके लिए कोई पैसे अलग से यहाँ नहीं लगेगा। जैसे हमारे बगल में भी बैठे हुए हैं मार्शल आर्ट की जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, श्री विजय सयाल जी, जिनको मैंने इस इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए समय मांगा और इन्होंने खुशी पूर्वक इन्होंने समय दिया कि नहीं आपके इन बच्चों को मैं सिखाऊंगा, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही पंक्चुअल बच्चे हैं। तो इनके बारे में ये खुद बताएंगे श्री विजय सयाल जी अपने बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजय सयाल एंड आई एम ब्लैक बेल्ट फिफ्थ डैन इन ताइक्वांडो एंड आई रिप्रेजेंट इंडिया 4 times इंटरनेशनली, 2 world championship, 1 Asia-Pacific, 1 intercontinental एंड लास्ट 38 years से आई मीन मार्शल आर्ट्स, और मेरे मार्शल आर्ट्स का जो एक्सपीरियंस है उसको अब मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया कि श्री राज फिल्म प्रोडक्शन एक्टिंग स्कूल के साथ जुड़ने से कि शायद मेरे को इससे और ओपनिंग मिलेगी और प्लस मेरी मार्शल आर्ट्स को बच्चों को सिखाने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो ऑलरेडी वैसे मैं स्कूल्स में या जिम्स में किक बॉक्सिंग और ये सब कराता हूँ, बट एक प्रोफेशनल लेवल पर जिसमें बच्चों को आगे करियर मिलेगा वो एक मेरे को मौका मिल रहा है, जो आई एम वेरी लकी कि मिस्टर उपेंद्र जी ने मुझे मौका दिया और वो भी मेरे पास जिम में थोड़ा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में उनको देता हूँ, और अभी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया जिसको मैं खोना नहीं चाहता था, तो अब उनके साथ जुड़ के अब आगे हमने बच्चों को तैयार करना है ताकि बच्चों को एक एक्स्ट्रा स्किल्स मिले। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव थिंग है कि जो ये एकेडमी है, एक्टिंग एकेडमी, ये बच्चों को एक्टिंग के साथ साथ स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स, डांस और ऐसी एक्टिविटीज़ फ्री में सिखा रही है, विच इज़ वेरी गुड। अदरवाइज़ आज के टाइम में प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है, कोई किसी को फ्री में दे के राज़ी नहीं है। बट मिस्टर उपेंद्र जी के जब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और अपनी स्कीम के बारे में बताया तो मेरे को सेकेंड थाट नहीं आया कि एकदम से मैं उनको नो कहूँ या सोचने का टाइम मांगूँ, मैंने एकदम उनको डन कर दिया। और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हु रिसीव बेस्ट फाइटर अवार्ड फ्रॉम द फाउंडर ऑफ ताइक्वांडो, जो कि मेरे लिए देखा है तो ओलंपिक से भी बड़ा मेडल है, लेट ग्रैंड मास्टर जनरल चॉय जो कि ताइक्वांडो के फाउंडर हैं, वो 93 में इंडिया में आए थे, उसमें मेरे को उनसे ओवरऑल बेस्ट फाइटर का नेशनल का चैम्पियनशिप का अवार्ड मिला था। लाइफ में बहुत कुछ किया मगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। जब मिस्टर उपेंद्र से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, डिस्कस हुई, तो उन्होंने जब मुझसे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की तो मेरे को दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी और एकदम से मैंने उनको डन कर दिया। तो आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई होप कि इसमें से हम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देके उनको एक अच्छी स्टेज तक पहुँचाने में हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मैं भरत सिंह, मेरे मित्र उपेंद्र सिंह छोटे भाई भी हैं, इन्होंने इस लाइन में काफ़ी दिन से 10 साल से लगे हुए हैं, मुझे बताया ऐसे ऐसे काम है, आपको आना है साथ, आ जाइए, मैं चलिए आपके साथ हम लगे हुए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
आगे चल के इतना भविष्य है कि अब ऊपर वाले के मरीज जो होगा सो अच्छा ही होगा। जुड़ने के बाद मैं ऐसा लगा कि हाँ ये भी दुनिया कोई अलग है, हमारा दुनिया अलग था। रात दिन भाग दौड़ इसमें उतना नहीं है, इधर दुनिया अलग है उधर दुनिया अलग है। सर आप देख रहे हैं कि सिनेमा जो है दिल्ली बेस्ड फिल्म पर बना रहा है, दिल्ली बिल्ली हो, आमिर खान की फिल्म हो, पहली पहली है ये, जी जी तमाम फिल्में जो दिल्ली बेस्ड पे बन रही है, दिल्ली सिक्स बनी है जी, तो ऐसे में एज ए बिजनेसमैन क्या देखते हैं दिल्ली में एक्टिंग स्कूल का फ्यूचर? कि एक्टिंग स्कूल के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा अपना प्रोडक्शन भी हो, फिल्म भी बने, धारावाहिक भी बने, जो सारे मेरे छोटे भाई उपेंद्र जी की देखरेख में हो, सपोर्ट हमारा पूरा इनके साथ है, ये जो करना चाहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं अपनी फिल्मी लाइन को लेके बचपन से बड़ी ग्लैमरस रही हूँ। मैं मॉडलिंग लाइन में भी गई थी, इसके साथ साथ मैंने ना असिस्टेंट का रोल भी किया है कई चैनलों पर, लेकिन अब मैं श्रीराज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल से जुड़ी हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आकर अपना और भी ज़्यादा आगे तक का सपना सच कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ पर जो बच्चे आएंगे हमारा पूरा सपोर्ट होगा उनको मुंबई तक पहुँचाने का, उनको एक अच्छा एक्टर बनाने का, हमारे पूरे फैकल्टी का उनको सपोर्ट होगा कि वो बच्चे अच्छा रोल प्ले करें, अच्छी चीज़ें सीखें यहाँ से। प्लस दिल्ली में ये पहला ऐसा सेटअप है जहाँ पर एक्टिंग के साथ साथ बहुत सी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि एक्टिंग के साथ साथ हम मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, डांस, योगा एंड जिमिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग भी हमारे यहाँ पर इंक्लूड है जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। एंड काफ़ी अच्छा मौका है उस हर बच्चे के लिए जो फिल्मी लाइन में जाना चाहता है और एक्टर बनना चाहता है। बेसिकली जब हम लोग छोटे थे तो हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली थी दिल्ली में कहीं पर भी, क्योंकि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को फिल्म तक पहुंचाने की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हमारा एक ये पहला ऐसा स्कूल है। अगर हमें यहाँ बच्चे की रेगुलरिटी मिल रही है, अटेंडेंस में फुल अटेंडेंस मिल रही है, तो हम बिल्कुल उस बच्चे को एक अपना ही फिल्म प्रोडक्शन में मूवी का शूट देंगे। यहाँ पर शॉर्ट मूवीज़ बनेंगी, वेब सीरीज़ बनेंगे, जिसमें हम अपने ही स्टूडेंट्स को रोल प्ले करने के लिए बोलेंगे और उनको एक मौका देंगे।